Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेस्ट बुक पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे टेस्ट बुक के साथ में। तो गाइस, जल्दी जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को बड़े ही धमाकेदार तरीके से बेटा। सभी को बता दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मनोज जी गुड इवनिंग। चलिए तो बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताना बहुत जरूरी है और वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। कि टेस्ट बुक सेलेक्ट आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान पटवारी लाइव कोचिंग बैच, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 290 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 7000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 100 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स और एग्जाम क्वालिफाइड कोच सिर्फ 250 रुपए प्रति महीने में। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इसे अवेल कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। इसी के साथ एक और ऑफर बहुत ही बेहतरीन सा, एफकेट 1 2021 लाइव कोचिंग, जिसमें आपको मिलेंगी 140 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 4000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 53 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स और एग्जाम क्वालिफाइड कोच, यहां पर भी सिर्फ 333 रुपए प्रति महीने में। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिए बेटा। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था बेटा, मंथ एंड मेगा सेल, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल लाइव कोचिंग के ऊपर 250 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ये सेल आपके लिए आ चुकी है बेटा। 999 का जो कोर्स था अब आपको मिलेगा 749 में। लेकिन सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑफर आज रात तक के लिए है बेटा, जितना जल्दी हो सकता है इसके अंदर एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लौट आते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस पे, अब अपने क्वेश्चंस पे लौट आते हैं बेटा जी। पारस जी गुड इवनिंग, सोनल जी गुड इवनिंग, कहां गए कोई दिख नहीं रहा है ना बेटा। एक बार वीडियो शेयर करके आओ सभी लोग जाके, एक बार सभी लोग जाके वीडियो शेयर करके आओ। इतने कम स्टूडेंट्स में बिल्कुल मजा नहीं आएगा ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, है ना। जल्दी से जाइए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए बेटा। शेयर्ड किस ग्रुप में शेयर किया निशा जी, शेयर्ड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्लास का नोटिफिकेशन बहुत कम आते हैं, क्या करें भाई अनिशा जी, क्या करें आप बताइए, नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, समझ सकता हूं, ठीक है। चलिए भाई तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई बात नहीं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको पूरा कोर्स जब यहां पर कराया जा रहा है ना बेटा, तो है ना, आपको तो बोले थे ग्रुप के लिए। अच्छा ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके सो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछे गए हैं बेटा। किसके अंदर पूछे गए हैं, एसएससी सीएचएसएल के अंदर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को,
है ना, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, ये जो आपको ग्राफ दिया गया है बेटा, यहां पर आपको अलग अलग लोगों की और अलग अलग जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड दी गई है। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करने हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ए की औसत गति ज्ञात कीजिए यदि सभी वाहनों के साथ ए द्वारा तय की गई दूरी समान है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए विद ऑल द व्हीकल्स आर सेम, व्हाट विल बी द आंसर गाइस, बताइए बेटा। बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका। सौरव जी फिर की नहीं लेते सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं आप लोग को क्वेश्चंस एक बार वापस दिखा देता हूं बेटा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब आप बार ग्राफ से देखिए इसका आंसर और ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। हाँ बिल्कुल, चलिए देखो बेटा, यहां पर बोला है ए की औसत गति ज्ञात करनी है। तो ए की औसत गति कहां कहां पे है, पहले बार में है 60, 60 और यहां पर है 30, और जब ट्रेन से जा रहा है तो वापस हुई 60, और जब ऑक्स कार्ट यानी बैलगाड़ी से जा रहा है तो हो गई 10। तो टोटल उसकी स्पीड्स क्या क्या रही बेटा, 60, 30, अगेन 60 एंड देन 10। क्लियर बेटा, क्लियर। तो अब हमने क्या किया, इन सभी का एलसीएम मान लिया है ना, कितना माना 240। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस है बेटा, चार उसकी चाले हैं तो इंटू फोर, क्लियर। अपॉन में हमें उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 240 अपॉन 60। ये सिर्फ अभी बता रहा हूं बेटा, नेक्स्ट बार में फिर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 240 अपॉन 30 प्लस 240 अपॉन 60 प्लस 240 अपॉन 10, क्लियर। तो 240 इंटू फोर कितना हो गया बेटा, 960, 960 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स प्लस 8 प्लस 4 प्लस 24 प्लस कितना हो गया बेटा, 24। तो ये कितना हो गया, 32 प्लस 8 40, तो 960 अपॉन 40 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 960 अपॉन 40 24 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर टू जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा आप सभी ने, शाबाश, वेरी गुड। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर हुआ ना जी, पारस जी वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है ना जी। देखिए हमारे टेक्स्ट बुक साहब ने आपके साथ ये जो फॉर्म शेयर किया है बेटा, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बेटा इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए, है ना, बहुत ही अच्छी आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि ट्रेन सी ट्रेन से 5 घंटे की दूरी तय करता है तो बी मोटरसाइकिल द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बी को जो समय लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, तो मैं आपको फिर से एक बार जो ग्राफ है वो शो कर देता हूं बेटा, कि जो यहां पर क्वेश्चन है, जो सी है वो ट्रेन से यात्रा करता है बेटा, किससे यात्रा करता है, ट्रेन से, और उसे वह दूरी तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं, उसको वह दूरी तय करने में 5 घंटे तय लग रहे हैं, तो बी उसी दूरी को अगर बाइक से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये बताना है बेटा आपको, बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका।
5 आवर्स। कौन है ये पारस जी? इसमें स्पीड नहीं बतानी है, इसमें टाइम नहीं बताना है, इसमें क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देता हूं बेटा, ठीक है? लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर सी जो है 5 घंटे ट्रेन से यात्रा कर रहा है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा? ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा सी के लिए? तो सी के लिए ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर। कितनी है? 60 किलोमीटर पर आर। तो उसके द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 300 किलोमीटर्स का, करेक्ट है। अब वही डिस्टेंस बी अगर मोटरसाइकिल से कवर करता है तो बी की चाल कितनी है बेटा? कितनी है? 50 किलोमीटर पर आर। तो ये कितने घंटे में तय कर लेगा बेटा? डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 6 आवर्स में। कितने में बेटा? 6 आवर्स में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 6 आवर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। सिक्स आवर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। सभी को क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बी और सी एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं बेटा, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही प्लेस से स्टार्ट करके। लेकिन जो बी है वो सुबह 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है ना, एक ही स्थान से, और सी उसके 6 घंटे के बाद दौड़ता है। यानी कि जो बी है सुबह 8 AM पे दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन सी ज्वाइन सेम आफ्टर 6 आवर्स। तो बताओ किस समय सी बी को पार करेगा यदि बी और सी दोनों पूरी यात्रा में बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो बेटा, फिर मैं आपके लिए ग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है? ऐसा डीआई उससे हाई मेरे शिफ्ट में आई थी। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर है अनिशा जी, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलिए सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन को, चलो अब बताओ इसका आंसर। अब बताइए बेटा इसका आंसर बताइए। दोनों बैलगाड़ी का यूज कर रहे हैं बेटा, बैलगाड़ी का, क्लियर? चलिए बताइए इसका आंसर। बी सुबह 8 बजे निकलता है और सी उसके 6 घंटे बाद निकलता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? PM। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो देखो बेटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो सी है वो बैलगाड़ी से जब यात्रा कर रहा है तो उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी है उसकी चाल कितनी है जब वो बैलगाड़ी से यात्रा करेगा? तो वो है बेटा 8 किलोमीटर पर आर। तो एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी चीज क्या है प्यारे बच्चों, कि जब बी अपनी रफ्तार से चलेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 48 किलोमीटर का, राइट? अब उसके बाद 6 घंटे बाद सी उसके पीछे आता है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12 आवर्स। यानी कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे सी ने उसके पीछे चलना स्टार्ट किया, तो बेटा ये इसको कब मिलेगा? 2 बजे के 12 घंटे बाद यानी कि 2 AM पर। कब मिलेगा बेटा? 2 AM यानी रात को 2 बजे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ बेटा ये, है ना? वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर 2 PM का ही दे रहे हो भाई। 2 PM कैसे हो जाएगा? 2 PM पे तो वो चलना स्टार्ट कर रहा है कैसे हो जाएगा? 2 बजे। कीर्ति जी ने कह दिया 2 बजे। अब AM PM तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। यदि ए अपनी मोटरसाइकिल के साथ बिंदु पी से शुरू करता है और क्यू पर जाता है, मेरी बात को सुनना, बिंदु पी पर वह बी की मोटरसाइकिल की गति से जा रहा है और आर पे पहुंचता है। यानी देखो बेटा ए ने यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट पी से, और ये कहां पे पहुंचा? पॉइंट क्यू पे पहुंचा। यहां पर ये ए है, अब इसके बाद ये किसके पीछे बैठ गया? बी के पीछे बैठ गया, और बी इसको कहां पे ड्रॉप करके आ गया? बी इसको आर पे ड्रॉप करके आ गया। वहां से इसको पिकअप किया किसने?
आर पर वह सी के साथ मोटरसाइकिल से जाता है और एस पे पहुंच जाता है, यानी कि यहां पर इसको सी ने पिक किया और कहां पर ले जाके छोड़ दिया, एस पॉइंट के ऊपर। अब आपसे पूछा है क्यू आर, क्यू से आर, आर से एस एक समान दूरी है, तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान ए की औसत गति क्या रही थी, बताइए बेटा। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा सभी को, है ना। चलिए अब इसका आंसर बताइए, मैं आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखो ए जो है मोटरसाइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से, ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। बेटा पर्सनल टॉक बाद में भी कर सकते हैं अपन, है ना, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, ग्राफ आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है कि ए अपनी मोटरसाइकिल पे पी बिंदु से चलता है, क्यू पे जाता है, क्यू से आर पे जाता है, आर से एस पे जाता है, तो जब वो पी से क्यू पे गया, पी टू क्यू गया जब वो, तो उसकी स्पीड कितनी थी बेटा, 30 किलोमीटर। जब वो क्यू से आर पे गया, जब वो क्यू से आर पे गया बेटा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर। और साथ ही में जब वो R से S पे गया बेटा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 45 किलोमीटर। क्लियर, तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी पूरी जर्नी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने मान लिया इन सभी का LCM कितना, 450, और टोटल नंबर ऑफ स्पीड कितनी है, 3, ठीक है, तो हमने डिवाइडेड बाय इंटू 3 कर दिया। अब टाइम कैसे निकलेगा, 450 अपॉन 30 यानी कि 15 प्लस 450 अपॉन 50 9 प्लस 450 अपॉन 45 10, तो ये कितना हो गया, 1350 बटा कितना हो गया, 25 और कितना हो गया, 25 और 9 34, ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करने पर 675 अपॉन 17, कितना आ जाएगा बेटा, 675 अपॉन 17, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ बेटा, है ना। चलिए मैं समझ सकता हूं कि कई लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन DI इतनी भी इजी नहीं होती है जितना आप लोग समझते हैं उसे। चलिए कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। बी और सी 350 मीटर दूर है, वे एक दूसरे की ओर ट्रेनों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो कितने सेकंड में मिलते हैं यदि ट्रेनों की लंबाई नगण्य है, ठीक है। देखो बेटा यहां पर आपके पास है कौन, बी या सी, इधर है आपके पास बी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 350 मीटर। सी यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी यहां से चलना स्टार्ट करता है, अब दोनों अपनी यात्रा किससे कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, तो बी और सी जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, तो आप देख पा रहे हो जो बी है उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर से कर देता हूं, है ना, उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और सी की स्पीड कितनी है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बेटा, तो इनकी चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 60 प्लस 45 कितना बना, 105 × 5/18, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 175/6 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई बेटा, ये चीज सभी को क्लियर हुई, है ना। चलिए
अब इधर देखिए, अब आपसे पूछा है बेटा, तो कितने सेकंड बाद मिलते हैं? तो टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू स्पीड, यही होगा। अरे यही होगा ना बेटा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, सॉरी गलत लिख दिया है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है? 350 मीटर, बटा चाल कितनी है? 175 बटा 6, तो 6 कहां चला गया? ऊपर। 175 से दो बार कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया? 12 सेकंड्स आंसर आ गया। बताइए सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? 12 सेकंड्स इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आप कैसे कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर? 105 ऐसा आया क्योंकि देखो, मैं आपको फिर से ग्राफ शो कर देता हूं यार। जो बी है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड ट्रेन से जब वो यात्रा कर रहा है तो 45 किलोमीटर पर घंटा है, और जो सी है जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आ रहे है। ठीक है, ऐसे आ रहा है बेटा आंसर। हाँ, वहां सारा डेटा दे रखा है इस ग्राफ के अंदर बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन द टेली परफॉर्मेंस। टेली परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है बेटा, ठीक है। संजय मेहता जी जो है वो इसके सीईओ है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए जो टेली परफॉर्मेंस कंपनी है, अब वो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन सी कंपनियों के प्रोसेस चलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन एंड मिंत्रा। ठीक है, ये पांच प्रोसेस यहां पर चलते हैं बेटा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट में आयु समूह 30 से 40 में कर्मचारियों की संख्या, माइक्रोसॉफ्ट में, नहीं इसको, ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है बेटा, इंग्लिश में देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द एज ग्रुप 30 to 40 इन एमेजॉन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 इन द माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा कि एमेजॉन में वो लोग जिनकी आयु जो है 30 से 40 के बीच में है उनकी संख्या, और जो एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है और उनकी एज 20 से 30 के बीच में है, उनसे कितनी ज्यादा या कम है? तो ग्राफ आपके सामने है बेटा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी के आंसर्स में देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। मिंत्रा ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी, ओके वेरी गुड, है ना। संजय मेहता जी इसके है भाई, ठीक है, चलिए बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका। ग्राफ आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट के देखने हैं जो 20 से 30 के बीच में है बेटा, ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी आंसर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 71/7 मोर। ओके, यू शुड ऑल्सो क्वेश्चन विद इट, क्या मतलब? अच्छा, क्वेश्चन और ये ग्राफ साथ देने चाहिए, अच्छा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो जो एमेजॉन है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, 30 से 40 ग्रुप के लोग। तो एमेजॉन में 30 से 40 के लोग कौन है बेटा? तो वो कितने हैं एमेजॉन में? 140, कितने हैं? 140, तो एमेजॉन में उनका नंबर है 140। और वही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट में 20 to 30, तो वो कितना है? 150, कितना है बेटा? 150। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में कितने निकले? 140, और एमेजॉन में कितने निकले बेटा? एमेजॉन में निकले 150, तो यही निकले थे ना, सॉरी एमेजॉन में 140 है, एमेजॉन में 140 और माइक्रोसॉफ्ट में 150, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10। और पूछा है माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों से, तो माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी 150 into 100,
50 से दो बार, 50 से तीन बार. 2 बाय 3 किसका फ्रैक्शन होता है, कितना होता है? 6 2 बाय 3%. क्लियर बेटा? 6 2 बाय 3% क्या हो जाएंगे? मोर हो जाएंगे, है ना? दिखती सी बात है, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि यहां पर भी आपको देखने से पता चल रहा है ना? इज व्हाट परसेंट मोर और लेस? ओके, एमेजॉन के पूछे तो 6 2 बाय 3% लेस होंगे. वेरी गुड, क्लियर सभी को? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के लिए. अडोब में कर्मचारियों की कुल संख्या और फ्लिपकार्ट में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा. ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट है बेटा. अडोबी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? तो आप देखो बेटा, यहां पर अडोब में कितने हैं? 170 प्लस 140 कितना हो गया? 310 प्लस 230 कितना हो गया? 340 एंड 540. क्लियर? और अब आपसे क्या पूछा गया है, फ्लिपकार्ट में कितने हैं? 200 और 210, 410 प्लस 160 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 410 और 160 कितना हो गया? 570. कितना हो गया? 570. तो दोनों के बीच का रेशियो आपको बताना है बेटा, दोनों के बीच का रेशियो बताना है. 540 रेशियो 570, है ना? 540 रेशियो 570, ये आपको रेशियो मिल गया. तो एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, तीन से इसको काटा कितनी बार? 18 बार, और तीन से इसे काटा 19 बार. तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया बेटा? 18:19. कितना आ गया? 18:19 आ गया. वेरी गुड कीर्ति जी, आर्य जोशी जी, पारस जी, रोहित राज जी, वेरी गुड. बिल्कुल 18:19 बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा. अच्छा, क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, अब मैं पेन का कलर चेंज कर दूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सभी कंपनियों में आयु 30 से 40 के कर्मचारियों की कुल औसत संख्या क्या है, बताइए, है ना? क्वेश्चन समझ आ गया? 30 to 40 का देखना है आपको बेटा. चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए बेटा. 30 to 40, इसके अंदर कितना है? 180. माइक्रोसॉफ्ट में है 180, अडोब में कितना है? 170. फ्लिपकार्ट में कितना है? 200. एमेजॉन में कितना है? 140. और मिंत्रा में कितना है बेटा? 250. बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हो गई यहां तक? सभी को क्लियर हो गई? तो अब इन सभी को जोड़ लो, कितना होता है देखो. 25 और 14, 39, 59, 76 एंड 94 कितना हो गया? 940. कितना हो गया बेटा? टोटल 940 हो गया. तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितना हो गया? 940 हो गया. और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है बेटा? 5. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है? 5. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1. पीछे बचा 4, इधर आया 8, पीछे बचा 4, 188. सो 188 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 188 जो है, यहां पर जो सभी कंपनीज का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो 30 और 40 के बीच में है, वो हो जाएगा 188. बताइए बेटा, सभी को क्लियर हो गया क्या? सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड बेटा. ठीक है, वेरी गुड. चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से. माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों की कुल संख्या एमेजॉन में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, माइक्रोसॉफ्ट के टोटल कर्मचारी देखो बेटा. माइक्रोसॉफ्ट के टोटल कर्मचारी देखो, तो 150 प्लस 180 कितना हो गया? 150 प्लस 180, ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? 150 प्लस 180 कितना हो गया? 330 प्लस 200, 530. कितना हो गया? 530. और साथ में किसका पूछा? एमेजॉन का. साथ में किसका पूछा है? एमेजॉन. तो एमेजॉन में टोटल कितने हैं? 190 प्लस 140 कितना हो गया? 33, और प्लस 200, ये भी 530. दोनों कंपनीज में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 530, 530. तो बेटा कितना परसेंट हो जाएगा दोनों, कितना परसेंट हो जाएगा? एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट के कुल कर्मचारियों की संख्या एमेजॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? 530 से 530 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली आंसर 100% आ जाएगा. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा सभी को? ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर.
वेरी नाइस, रेशियो 1:1, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि अडोब में आयु समूह 40 से 50 में 40% कर्मचारी सेवानिवृत्त है तो अडोब में कर्मचारियों की कुल संख्या और मिंत्रा में कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए। अडोब में 30 से 40 का जो ग्रुप है उसमें से 40% तो रिटायर हो गए, तो आपको बताना है अडोब और मिंत्रा में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बीच का डिफरेंस कितना है, है ना। चलिए बताइए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले अडोब में देखिए 30 से 40 वाला, तो 30 से 40 में टोटल कितने हैं? 30 से 40 था, 50 से 40 से 50 था, है ना। ओके 40 से 50 तो टोटल कितना है? 230। अब इसमें से कितने रिटायर हो गए? 40% रिटायर हो गए, तो 230 का 40% कितना होता है बेटा? 230 का 40% कितना हो जाएगा? 2/5। सो बेटा कितने रिमेनिंग रहे? रिमेनिंग कितने रहे बेटा पीछे? पीछे रिमेनिंग रहे आपके पास 92 हो गया ये, और 230 माइनस 92 कितना बच गया? 138। सो टोटल एम्प्लॉइज अब कितने हो गए? 138 प्लस 170 प्लस 140, तो टोटल कितना हो गया? 170 प्लस 140 310 प्लस 138 438। कितने हो गए बेटा? 438। बताओ सभी को क्लियर हुआ या नहीं? सभी को क्लियर हुआ? 448 किसके अंदर हो गए? अडोब के अंदर। अडोब में कितने हो गए? 448 हो गए, ये लो यहां लिख दिया। मिंत्रा में कितने हैं? 250 प्लस 120 27 और 37, 37 और 18 45 55 कितने हैं? 550। ठीक है, यानी कि दोनों में कितने कितने एम्प्लॉयज हैं? 448 और 550, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा प्यारे बच्चों? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा यहां पर? 102 रहेगा। कितना रहेगा? 230 कहां से आया? 230 दे रखा है सर, आप लोग पूरा देखिए, है ना, आप लोग पूरा ग्राफ अच्छे से देखो। मैं एक बार फिर से लगा देता हूं आपके सामने ग्राफ को। चलिए ग्राफ पूरा अच्छे से देखिए आप एक बार, ठीक है, फिर आंसर कीजिए। आप कह रहे हैं 230 कैसे आया? तो बेटा 230 यहां पर दे रखे हैं ना टोटल एम्प्लॉइज, जो कि 30-40 एज ग्रुप से हैं, है ना, तो यहां से आया बेटा 230। क्लियर है? अरे क्लियर है बेटा सभी को? सभी को क्लियर हो गया बेटा एकदम अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ फोर पीपल इन फोर टाउन्स ए बी एंड सी हु ओन्स रेफ्रिजरेटर एंड एसीज। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है बेटा, देखो यहां पर जो ग्राफ आपको दिया गया है बेटा, वो चार शहर है ए बी सी और डी, वहां पर उन लोगों को बता रहा है जिनके पास रेफ्रिजरेटर और एसी है। तो आपको ये ग्राफ अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा? मैं भी एक बार देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉन्ट नहीं दिख रहा, बहुत क्लियरली दिख रहा है भाई, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही देख रहा है। ठीक है चलिए, सभी चार शहरों में रेफ्रिजरेटर रखने वाले लोगों की संख्या और एसी रखने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो देखो बेटा जल्दी से देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हो यार। देखिए बताइए, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को। और जो आपके पास सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चारों शहरों में अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर वालों की, तो भाई कितने हैं? 440 ए में, 350 बी में, और इसी तरीके से 700 सी में, और
550 ये किसके अंदर है बेटा, डी के अंदर है। अब एसी वाले देखो, ए के अंदर 200, बी के अंदर 250, सी के अंदर 500 और डी के अंदर 300। लो बेटा सारे के सारे डेटाज मैंने आपके सामने भी लिख दिए, अब तो आंसर करो, अब तो आंसर करो बेटा, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। 800 आंसर दे रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, 800 आंसर दे रहे हो आप लोग। देखो टोटल कितना हो गया, 45 और 35, 50, 80, 80 और ये कितना हो गया, 800 और 700, 1500, 1500 और 2050। टोटल जिनके पास रेफ्रिजरेटर है वो कितने हैं, 2050। रेफ्रिजरेटर वाले कितने हैं बेटा, 2050 हैं। और एसी वाले कितने हैं बेटा, एसी वाले कितने लोग हैं, 200 और 250, 450 प्लस 950, 1250 कितने हैं बेटा, 1250। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा प्यारे बच्चों, 800 का। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है चलिए, तो अब इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा आज के सेशन का है ना। शहर सी में 85% लोग जिनके पास एसी है वे रेफ्रिजरेटर रखते हैं। शहर सी में ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल रेफ्रिजरेटर रखते हैं, बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए, मैं आपके सामने ग्राफ लगा देता हूं फिर से, ठीक है चलिए बताइए बेटा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए बेटा, सभी लोग, सभी लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। चलो बताइए, सीरियसली मतलब फालतू की बातें तुमसे करवानी हो ना तो तुम 1000 कर लोगे, काम की बात तुमसे एक नहीं होती है। कौन कितने पे खेल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, छोड़ो ना उसे तुम, है ना। क्रिकेटर्स कभी किसी को निहाल कहिए हैं क्या, बताइए बेटा। अब बहुत इजीली दिख रहा है, सारे डेटाज आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा वो सुनो, आपको क्वेश्चन में यह बोला है कि 85% जो सी शहर से हैं उनके पास एसी है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूं यार, इससे ज्यादा आप क्या कर सकता हूं। एसी है और उनके पास रेफ्रिजरेटर भी है, तो शहर सी में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो केवल रेफ्रिजरेटर रखते हैं। तो आप देखो यहां पर शहर सी में एसी रखने वाले कितने हैं, 500 लोग हैं। तो बेटा 500 लोग हैं कौन, जिनके पास एसी है, ठीक है, जिनके पास एसी है। और रेफ्रिजरेटर रखने वाले कितने लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, 700 लोग हैं। तो दोनों अब आपसे बोला गया है कि एसी रखने वालों के 85% के पास के 85%, तो 500 का 85% कितना हो जाएगा मेरे शेरों, 500 का 85% कितना हो गया, 425, ठीक है 425 ही होगा ना, 85 × 5 425 ही हो गया। और रेफ्रिजरेटर रखने वाले 700 है, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लो बेटा, कितना अंतर आ रहा है, 75 और 275, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा, है ना। चलिए तो अब दोस्तों इस सेशन को करते यहीं पर दी एंड, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कोई इसके अंदर समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।